गुमला में एक पति ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी की चाकू से मारकर हत्या कर दी। घटना कामडारा थाना क्षेत्र स्थित नरसिंहपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि पति बागो बरला पहले भी हत्याकांड के आरोप में जेल जा चुका है। कुछ महीने पूर्व ही वह जेल से छूटकर आया था। इसी दौरान पत्नी गांव के ही युवक के साथ रहने लगी। पत्नी को दूसरे युवक के साथ देख पति आग बबूला हो गया और मौका मिलते ही चाकू से उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी पति को हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झारखंड के गुमला सदर अस्पताल में 36 वर्षीय महिला माहौदरी देवी की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि बेड और बेहतर इलाज नहीं मिलने के कारण मरीज की मौत हो गई। पलामू के मेदिनी नगर में एक चाय दुकान में आग लग गई। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर में रिसाव के कारण आग लगी। वहीं इस दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी सूझबूझ से आग पर काबू पाया। और रांची के कांके स्थित झारखंड जगुआर के मुख्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए हवलदार देवेंद्र कुमार पंडित, आरक्षी हरिद्वार साह और आरक्षी किरण सोरेन को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं इस मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सहित अन्य वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। हमारे चायबासा क्षेत्र में ऑपरेशन चल रहे हैं, उस दौरान पुलिस दस्ता के मूवमेंट पर घात लगाकर जो उग्रवादियों ने हमला किया है उसमें हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं। एक हवालदार है, आप भी हम लोगों ने उनको। और चाईबासा में नक्सलियों के लैंड माइंस की घटना के बाद झारखंड पुलिस अलर्ट पर है, जिसके बाद सरायकेला खरसावां जिले के पुलिस अधीक्षक ने समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसपी एम अर्शी ने सभी थाना प्रभारियों से विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया। साथ ही नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्रों में ऑपरेशन जारी रखने का भी निर्देश दिया है। जी, तो आपको बता दें कि चाईबासा में नक्सलियों के लैंड माइंस की घटना के बाद झारखंड पुलिस अलर्ट पर है, जिसे लेकर सरायकेला खरसावां जिले के पुलिस अधीक्षक ने समीक्षा बैठक की। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसपी एम अर्शी ने सभी थाना प्रभारियों से विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया है। और साथ ही उन्होंने नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्रों में ऑपरेशन जारी रखने का भी निर्देश दिया है। तो आपको बता दें कि नक्सलियों के लैंड माइंस की घटना के बाद झारखंड पुलिस अलर्ट पर है। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन जुड़ चुके हैं। नवीन, झारखंड पुलिस अभी अलर्ट पर है, लैंड माइंस बिछाने के बाद से झारखंड पुलिस को अलर्ट पे जारी कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है? और इसमें लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। इस खबर पर बने रहेंगे हम अपने सहयोगी के साथ। जी, तो आपको फिर से बता दें कि चाईबासा में नक्सलियों ने लैंड माइंस बिछाया था, जिसके बाद पूरे झारखंड पुलिस को अलर्ट पर रख दिया गया है और ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन करने का निर्देश दिया गया है। और साथ ही उन्होंने वहां के एसपी एम अर्शी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी थाना प्रभारियों को विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया है। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन जुड़ चुके हैं। नवीन,
कल चाईबासा में लैंडमाइंस की घटना में 3 जवान शहीद हुए, इस पे आज एसपी ने बैठक भी की कल और निर्देश जारी किए। झारखंड पुलिस अलर्ट पर है और क्या कुछ अपडेट है इसमें, क्या कुछ कहना है झारखंड पुलिस का? जी, चाईबासा में कल झारखंड पुलिस बैठक हुई थी, पुलिस पूरी अलर्ट पे है। जहां सरायकेला खरसावां जिले में पुलिस अपनी समीक्षा बैठक की थी, एसपी ने इस विषय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी थाना प्रभारियों से रूबरू हुए हैं और बताया जाएगा इसमें कुछ निम्न बिंदुओं पर बात हुई थी। जी जी नवीन, सरायकेला काफी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, या वहां पर चौकसी बरतने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? वहां पे अभी पूरे सभी थाना चौकसी, जहां सभी को निर्देश दिया गया है कि अभी जितने भी नक्सल प्रभावित एरिया है उन्हें गश्ती बढ़ा देने की अपील की गई है। नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्र में ऑपरेशन जारी रखने को कहा गया है। नक्सलियों का कमर तोड़ने का पुलिस ने पुरजोर दावा किया है। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया नवीन। तो आपको बताते चले कि चाईबासा में लैंड माइंस की घटना के बाद झारखंड पुलिस अलर्ट पर है और एसपी ने निर्देश दिए हैं कि हर जगह पे ऑपरेशन जारी रहे।